पड़वार सलैया में विगत कई दिनों से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसमें सलैया सरपंच के पति के द्वारा दिलेरी से बेखौफ होकर अवैध रेत का कारोबार किया जा रहा है, जिसकी जानकारी बरेला पुलिस एवं खनिज विभाग को भी है। ऐसा आरोप बरेला ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने लगाया। अरविंद तिवारी का आरोप है कि बरेला परिक्षेत्र में गांव-गांव अवैध शराब सहित अवैध गांजा बेचा जा रहा है, जिसे युवा वर्ग बर्बाद होने की कगार पर है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से अपील की है कि इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में वृहत आंदोलन किया जाए। रेत निकाल निकाल करके मुझे बेच रहे और बहाना काय को टनक ग्राम बहाना के हम ग्राम भवन के लाने निकाल रहे और रातन के लिए पूरी रात चार बजे तक रात समझ लो वो ट्रैक्टर चला थे। किसका ट्रैक्टर है? तीन चार ट्रैक्टर है। कौन है, कौन कर रहा है? अब ये सुक्कू पटेलों के दो मामा हैं, उनकी तो रिपोर्ट लिख गई है। फिर कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, अच्छी नहीं, पुलिस आई और अपने देख सुन के चली गई। खेत का उत्खनन, गिट्टी मुरम का उत्खनन, पत्थरों का उत्खनन बरेला परिक्षेत्र पर जोरों से चल रहा है। जहाँ तक रेत की बात है तो ऐसी कोई नदी नाले नहीं बचे हैं जहाँ से रेत नहीं निकाली जा रही है। संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, लेकिन कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देता। खुलेआम जो भी चाह रहा है ट्रैक्टर में भर करके रेत निकाल रहा है और उसका विक्रय कर रहा है। हम निवेदन करते हैं कि इस उत्खनन को रोका जाए। साथ ही बरेला पुलिस एवं राजस्व विभाग का इतनी लापरवाही देखी जा रही है कि चारों ओर अपराध बढ़ रहे हैं। आए दिन बरेला परिक्षेत्र में गोलियां चल रही हैं, लूट की वारदात हो रही हैं, नरबलि के जैसे कांड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है।